स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन कैटल लीच। तो अब हम लोग लीच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन है, अर्थात इसका जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लीच का जो फाइलम है वह है एनिलिडा। इसका फाइलम है एनिलिडा। तो इस फाइलम में जो भी वर्म होते हैं वह सारे जो है सो इनवर्टिब्रेट होते हैं, और उनका बॉडी जो होता है वह सिगमेंटेड होता है। तो इस फाइलम में लगभग आपको जो है सो 22,000 स्पेसीज देखने को मिलेंगे। तो और जितने भी स्पेसीज हैं उन सभी का बॉडी जो है वह या तो सिगमेंटेड होता है या तो वर्म होता है। तो इसका जो फाइलम एनिलिडा है, तो एनिलिडा को जो है रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है या सिगमेंटेड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों नाम जो है सो एनिलिडा को दिया गया है। उसके बाद इसका जो क्लास है वह क्लास है हिरुडिनेई। इसका क्लास है हिरुडिनेई। तो इस क्लास में लीचेज का लगभग जो है 500 स्पेसीज आते हैं, और वैसे स्पेसीज आते हैं, वैसे लीचेज को रखा गया है जिनका जो शरीर होता है वह फ्लेटनेड होता है, और ये रिडेसियस होते हैं और पैरासाइटिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वह है जेनेथो बेडेलिडा। तो इसका ऑर्डर हो गया जेनेथो बेडेलिडा। तो इस ऑर्डर में वैसे ओर्म को रखा गया है जो एक्वेटिक होते हैं या टेरिस्टेरियल भी होते हैं, और लेकिन ये कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस यानी कि जो मांस खाता है, और ये पैरासाइटिक होता है यानी कि भोजन के लिए जो है दूसरे जानवरों पर या दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है। लेकिन इस ऑर्डर में आने वाले जितने भी ओर्म होते हैं उन सभी में फेरनेक्स जो है सो देखा जाता है, यानी कि उसमें उसके बॉडी में फेरनेक्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फैमिली है वह है हिरुडिनेई। तो इस फैमिली में सिर्फ एक्वेटिक लीच को रखा गया है, यानी कि वैसा लीच जो पानी में रहता है। और ये जो लीच होते हैं बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, और इनका जो भोजन होता है या पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो इनवर्टिब्रेट जीव होते हैं उसी को यह शिकार कर खाता है। उसके बाद इसका जो जीनस है वह है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया इसका जीनस हो गया। तो इस जीनस में मात्र 3 स्पेसीज को रखा गया है, जिसमें से एक स्पेसीज है ग्रेनुलोसा, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो स्पेसीज है इसका स्पेसीज नेम हो गया ग्रेनुलोसा, और इसका जीनस नेम हो गया हिरुडिनेरिया। अब हम लोग लीच के हैबिट्स और हैबिटेट को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके हैबिटेट को देख लेते हैं कि यह किन जगहों पर पाया जाता है, है ना। तो ये आपको जो इंडियन कैटल लीच है ये आपको भारत, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको जलाशयों में देखने को मिलेगा। ये जो है सो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जीव होता है। तो यह जीव जो है आपको पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, स्विंग्स या जो स्लो स्ट्रीम होता है, जो धीरे धीरे नदी बहती है, उसमें भी आपको यह तैरते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्विमर, गुड स्विमर भी होता है, ये तैरते हुए भी आपको दिखाई देगा, या उस जलाशय में जिस जलाशय में रहता है तो उस जलाशय में जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए रहते हैं, जैसे कि कोई पत्थर का या चट्टान का टुकड़ा है पानी के अंदर, या कोई पेड़ है या कोई लॉग्स है, तो उसमें क्या होता है कि यह जो है अपने सुकर के द्वारा उसे चिपका हुआ रहता है। इसके पास लूप भी होता है, तो यह लूप के द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव भी कर लेता है। अब इसके हैबिट्स को देखते हैं। हैबिट्स यानी कि इसका स्वभाव, इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका जो हैबिट्स होता है वह सैंग्यूवोरस होता है। सैंग्यूवोरस का मतलब हो गया कि ब्लड फीडर, जो रक्त खाता है, रक्त पीता है, रक्त को चूसता है, उसको हम लोग सैंग्यूवोरस बोलते हैं। तो लीच भी जो है यह सैंग्यूवोरस है। यह जिस जलाशय में रहता है उस जलाशय में जो मछलियां या मेंढक होते हैं उसके ब्लड को यह फीड करता है, यही उसका भोजन होता है। उसके अलावा यदि वह जिस जलाशय में मौजूद होता है लीच, तो वहां पर यदि कोई कैटल चला जाता है, जैसे गाय, भैंस वगैरह,
तो या उसके उसके शरीर से वह चिपक जाता है और उसके बॉडी से ब्लड को यह चूस लेता है। उसके साथ साथ यह सिर्फ कैटल ही नहीं बल्कि इंसानों को भी, अगर कोई इंसान ह्यूमन भी यदि उस जलाशय में जाता है तो उसे भी, उसके बॉडी से भी जो है यह ब्लड को आसानी से चूस लेता है, यही इसका भोजन होता है। उसके बाद ये जो लीच जो होता है ये हर्माफ्रोडाइटिक होता है। हर्माफ्रोडाइटिक का मतलब हो गया कि ये उभयलिंगी होता है, अर्थात इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है सो आपस में ही कपलेशन करकर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है और ये एग्स को जो है अपने जो इसका एग्स होता है उस एग्स को या कोकून्स में जमा करता है। अभी तक लीच में के लाइफ साइकिल में जो है किसी भी तरह का फ्री लार्वा अभी तक देखने को नहीं मिला है।